गाइस प्लस नंबर केटी यानी कि प्लस नंबर बाईफोकल लेंसेज को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। बाईफोकल वो जो डबल विज़न होता है जिसमें कि दूर का पास का दोनों पावर एक साथ होता है। यहाँ पर मेरे पास ये एक लेंटिकुलर लेंस है और ये एक बाईफोकल लेंस है और गाइस इसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है और इस लेंस का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। नंबर की बात करें गाइस तो इसका नंबर अभी मैं यहाँ पे आपको वेपर में दिखाऊंगा, उससे पहले आप इसका डिज़ाइन देखिए। ये एक लेंटिकुलर लेंस है तो साइड से एकदम पतला होगा और बीच में से जितना पावर होगा उसका उसी हिसाब से उसकी मोटाई होगी। प्लस नंबर का आपको पता है कि बीच में से सबसे ज़्यादा मोटा होता है और साइड से काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, तो किनारे से काफ़ी पतला होगा और बीच में से ज़्यादा मोटा होगा। तो कितना मोटा होगा ये तो उसके नंबर पे डिपेंड करेगा कि उसका नंबर क्या है। तो गाइस ये लेंटिकुलर लेंसेज के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो पहले भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। इसके पावर की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट का लेंस है, सबसे पहले लेंस देख लीजिए कौन सी कंपनी का, ये विजन RX का है और इसका प्राइस भी यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। और पावर देखिए गाइस, ये प्लस 15 और एडिशन डाई यानी कि प्लस 15 एडिशन 2.50, तो ये इसका पावर है। और लेंस विजन RX का है ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो राइट का है, राइट का, ये लेफ्ट का लेंस था जो प्लस 15 है वो लेफ्ट का है। फ्रेम गाइस हमारे पास ये होने वाला है शीट का और फ्रेम की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा हाई है तो इसमें हम कोई सा भी फ्रेम नहीं दे सकते, थोड़ा शीट का देना पड़ेगा क्योंकि शीट थोड़ा मजबूत होता है। राइट का गाइस पावर यहाँ पे देखिए प्लस 17.5 है और एडिशन सेम है डाई, तो राइट में थोड़ा पावर ज़्यादा है 15 और यहाँ पर यानी कि ढाई नंबर ज़्यादा है राइट में, तो मोटाई देखिए इसकी काफ़ी ज़्यादा है। फ्रेम हमारा ये होने वाला है। अब गाइस आते हैं इसकी प्राइस पे, तो गाइस यहाँ पर 550 का जो है हमारा फ्रेम है, जो शीट का फ्रेम जिसमें हम लेंसेज फिट कर रहे हैं वो 550 का फ्रेम है। टोटल इसका अमाउंट है 3685 रुपये यानी कि 3685 रुपये जो है इसका टोटल अमाउंट है। इसमें से गाइस 550 रुपये आप माइनस कर दीजिए तो लेंस का जो है प्राइस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। काफ़ी महंगा लेंस है क्योंकि नंबर काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी बात ये केटी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है लेंटिकुलर केटी और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है लेंटिकुलर केटी बाईफोकल। और गाइस मतलब इतना नंबर में फिर भी मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी सस्ता है क्योंकि अगर केटी में अगर आप वो भी विजन RX जैसे ब्रांड से अगर लेंसेज ले रहे हो वो भी इतने हाई नंबर में तो काफ़ी महंगा चला जाता है, तो मेरे हिसाब से ये प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। और इतना पावर है तो इसको तो वैसे भी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था, लेकिन आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए था, लेकिन गाइस इसका ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है। ऑपरेशन पहले हुआ था काफ़ी टाइम पहले और उसके बाद फिर वापस से इसका जो है नंबर आना स्टार्ट हुआ और आते 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 देखिए आज इस कंडीशन पे। लेंस की मोटाई देखिए गाइस प्लस 17.5 मतलब यार आप सोच सकते हो प्लस में, वो भी माइनस में तो मतलब काफ़ी मोटा हो जाता फिर साइड से। और फिटिंग के बाद यहाँ पर देखिए गाइस, फिटिंग के बाद कुछ इस तरीके का जो है ये नज़र आएगा। इतना ज़्यादा भी मोटा नहीं लग रहा है क्योंकि नंबर के हिसाब से इतना ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ हमने किया क्या है कि जो लेंस है वो फ्रेम है उसको काफ़ी ग्लासेस का साइज़ काफ़ी छोटा दिया है ताकि अगर गाइस ग्लासेस का साइज़ जिसमें बड़ा होता तो यहाँ पर लेंस की मोटाई काफ़ी ज़्यादा नज़र आती। ये देखिए यहाँ पर इसमें पास का जो टिक्की है वो भी आपको नज़र आ रही होगी, पूरा बाईफोकल है और रेडी हो गया है। फिटिंग काफ़ी अच्छी हुई है इसमें क्योंकि लेंटिकुलर है तो इसमें फिटिंग काफ़ी अच्छी, अगर इस ये लेंटिकुलर नहीं होता तो इसमें गाइस काफ़ी ज़्यादा मोटा लेंस होता और मोटाई इसकी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती और फिटिंग एकदम बकवास होती क्योंकि उसमें लेंटिकुलर है तो इसमें किनारे पतले थे इसी वजह से जो है फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी आई है। तो अगर आप अपने कस्टमर्स को कोई सजेस्ट करते हो इसी तरह के प्लस नंबर में हाई नंबर में तो वहाँ पर लेंटिकुलर लेंसेज दीजिए। लेंटिकुलर लेंसेज देने का फ़ायदा सबसे अच्छा यही है कि इसमें लेंस पतला हो जाता है, फिटिंग अच्छी आती है।